रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से जो सेक्शन जो शुरू हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवत गीता का जो प्रवाह है, फ्लो है, वो स्थापित करता है। तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये आचार्य के द्वारा, मतलब प्रभुपाद स्वयं भी लिखते हैं वहां पर, जैसे भुर्जय प्रभु की जो किताब है सरेंडर अनटू मी, जिन्होंने कमेंट्री लिखी है, तो ये बहुत सारी चीजों से लिया गया है, लेकिन हम ज्यादातर रिफर करेंगे प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज, ठीक है। तो कुछ कलेक्शन के लिए जीव गोस्वामी की कमेंट्री है, वो सब चीजें लिया जाएगा। तो हम 27वें श्लोक पे थे पहले अध्याय के, तो वहाँ भगवान कृष्णा ने अर्जुन को भ्रमित कर दिया। एक्चुअली हमने 35वें श्लोक तक कवर कर लिया था, लेकिन मैं रिपीट करूंगा ये। तो भगवान कृष्णा ने अर्जुन को भ्रमित कर दिया। एक्चुअली कहने का मतलब ये है, आप आई थिंक नष्टमोह स्मृति लब्ध्वा यत् प्रसादात् वाला जो श्लोक है उसके तात्पर्य में पढ़ेंगे। मैं उस दिन बता रहा था कि हर्षद प्रभु ने प्रश्न किया था कि कोई तो प्रश्न किया था, मैं भूल गया, तो उसका जवाब ये दे रहा था मैं कि भगवान ने ही स्वयं अर्जुन को ये उलझन में डाला, ताकि वो अर्जुन के माध्यम से जो कलयुग आने वाला है, कलयुग में सब लोग मंद सुमंद मतलब मंद भाग्या उपद्रवता, सो उस तरह के लोग हैं, उनके लिए फायदा कारक हो, फायदेमंद हो, उसके उसको ध्यान में रखकर भगवान ने दो चीज दी, भगवद गीता दी, और उसके बाद परीक्षित महाराज को श्राप दिलाकर उन्होंने भागवतम सुखदेव जी सुखदेव गोस्वामी से भागवतम बोलवाया। अगर चाहते तो परीक्षित महाराज तो बचा सकते थे। परीक्षित महाराज जब उन्होंने कोई प्रार्थना भी नहीं की थी, बोलने की अवस्था में नहीं थे, वो गर्भ में थे, तब भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज को गर्भ से बचाया था, इसलिए उसका दूसरा नाम है विष्णुदास, ठीक है। और तो अभी जब उनको श्राप मिला तो परीक्षित महाराज सोचे, अरे मेरे जन्म से पहले भगवान आके मुझे स्वयं बचाए, तो अभी भी आके बचाना चाहते हैं तो बचाने दो, अगर मेरा मृत्यु होने वाला है तो उनकी कोई लीला होगी तो मुझे उनकी लीला में सहायक बनने दीजिए। तो उसी प्रकार अर्जुन का भी यही स्थिति था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भ्रमित कर दिया। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे तान समीक्षा से कौन तेय, संजय ही बोल रहे कि अर्जुन ने क्या किया, तान समीक्षा से कौन तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान कृपया परया विष्ट विषेदंतम इदम ब्रवीत। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर 27वें श्लोक में, वो बता रहे हैं कि जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो करुणावश अभी उनके अंदर कृपया पराया विश्व, उसके अंदर दया भाव आ गया। ओके, आप देखेंगे अगले। तो अर्जुन ने 5 कारण दिए हैं युद्ध ना करने, ठीक है। 5 कौन कौन से कारण है कि एक मित्रों और संबंधियों के प्रति दया रखना चाहिए, वो 28 से लेकर 30 से 27 से आता है, पर 27 श्लोक में बदला है, इस प्रकार से नीचे बोला गया इसलिए 28 से 30 लिखा है। फिर विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, वो 31 से लेकर 35 श्लोक तक बोला है, 5 कारण दे रहे। बाद में भगवत गीता में सॉरी दूसरे अध्याय में भगवान इस 5 कारणों का खंडन करेंगे और अर्जुन को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे आपको युद्ध क्यों करना चाहिए, ठीक है। तीसरा कारण उन्होंने बताया, पाप कर्म के बुरे फल का भय, हमें पाप लगेगा। बाद में भगवान बताते रहे तुम युद्ध नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, इस प्रकार से उनको कन्विंस करते हैं। फिर पारिवारिक वंशावली का नाश होगा, उसके बारे में 39 से लेके 43 श्लोक तक वो आता है, और असमंजस वो दूसरे अध्याय के 5 श्लोक में आता है, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, तो थोड़ा उसको ध्यान में रखिएगा। तो वही था, तो वो क्या बोल रहे हैं अर्जुन, क्या बोल रहे हैं अर्जुन ने कहा है, कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है,
मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। जिसने प्रतिज्ञा की थी अगर मुझे कोई बोलेगा मेरा गांडीव छोड़ने के लिए तो अर्जुन उसको मृत्युदंड देगा, वो प्रतिज्ञा की थी। फिर मेरे वो बोल रहे हैं मेरी त्वचा में त्वचा जल रही है, मेरा यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा। हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण दिख रहे। तो उनको दया आ गई। इस प्रकार बोलने के बाद मतलब ये 37, 27, 28, 29, 30 श्लोक तक कि उन्होंने बोला। फिर 31 श्लोक में बोलते हैं कि हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही सज्जनों का वध करने से एंजॉयमेंट क्या लाभ होगा। तो ये पॉइंट आता है क्या लाभ होगा, विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। अरे हम युद्ध क्यों करते हैं, युद्ध करके हम सगे संबंधियों के साथ रहना चाहते हैं, अपने परिवार जनों के साथ रहना चाहते हैं हम, और रह के करेंगे क्या, दिखाएंगे देखो हमने ये किया। परिवार में मिलते तो बोला रहे माँ मैंने ये कर दिया, पिताजी मुझे ये कर दिया, कजिन को बताते हमने ये कर दिया, तो हमारी तारीफ कौन करेगा, वो भी तो है। तो ये भी एक पॉइंट है। तो ऐसे कुछ अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे आचार्य ने जो बताया वही हम लेंगे। तो बोलते हैं अर्जुन हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही सज्जनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिख रही है, ना मैं उसे किसी प्रकार की विजय राज्य सुख की इच्छा रखता हूं। फिर बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी, हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही युद्ध भूमि में खड़े हैं। जिनके लिए हम राज्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं वही युद्ध करने के लिए खड़े, उनको मार के हम किसके साथ ये खुशी बांटेंगे हम। ठीक है, हे मधुसूदन जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पुत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है पर मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों मार न डाले। हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीन लोग क्यों ना मिलते हो, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, मतलब मुझे तीनों लोगों का राज्य मिलेगा तब भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता, वो मूर्ख है मैं कैसे मूर्ख बनूं। कभी कभी बच्चा माँ को बोलता है तू ये है वो है वो है, तो सोचता है कि अरे माता जी को भला बुरा बोलूंगा, माँ को बोलूंगा तो माँ दे देगी, तो बुद्धिमान माँ होगी तो क्या करेगी, फिर भी नहीं देगी, दो तमाचे मार सकती है या तो अलग तरीके से समझाएगी, क्यों माता को पता है वो बुद्धिमान नहीं वो मूर्ख है, तो मैं तो मूर्ख नहीं हूँ ना, और पिता को भी ऐसा हो सकता है। तो अर्जुन बोल रहा है मैं तो बुद्धि मुझे तो पता है क्या सही गलत है, तो मैं क्यों युद्ध करूं। हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने के तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, इस पृथ्वी के तो बात ही छोड़ दो, मैं तीन लोग भी दे दो तब भी युद्ध करना नहीं चाहूँ, पृथ्वी तो छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे से बोला, ये तात्पर्य में काफी अच्छा लिखा है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पर जाति कुटुंब के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, यहाँ पर भी करुणा के कारण ऐसा है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, करुणा है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा, जो हमने चर्चा की तात्पर्य में लिखा है। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोख है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सरल विभिन्न है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए
सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता है। तो अगर भगवान की इच्छा है सारे वैभव ले लेगा, अगर भगवान की इच्छा नहीं तो सब छोड़ देगा। तो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा प्रभुपाद का उदाहरण दूंगा मैं। तो प्रभुपाद एक बार मायापुर में थे, तो मायापुर में ना प्रभुपाद कभी भी वो भजन कुटीर है जहाँ पे प्रभुपाद रहा करते थे, इतनी पुरानी भजन कुटीर, सबसे पहले मायापुर गए थे। तो क्या हुआ, तो उसके बाद वहां पे एक लोटस बिल्डिंग करके, लोटस बिल्डिंग बन गई थी, वहां पे प्रभुपाद का क्वार्टर भी है। तो प्रभुपाद के जो डिसाइपल थे प्रभुपाद जी को बोल रहे थे, प्रभुपाद जी अरे आप ये कुटिया में क्यों रह रहे हैं, ऊपर लोटस बिल्डिंग में आ जाए। तो प्रभुपाद बोले अरे वहां क्यों रहो, आप लोग रहिए, मैं तो इधर ही अच्छा हूँ। तो प्रभुपाद मान ही नहीं रहे। तो सब लोग ढूंढे, चलो प्रभुपाद की कमजोरी क्या है, मतलब देखिए कमजोरी ढूंढी, प्रभुपाद की कमजोरी देखिए सही सही ढंग से लीजिए, सही चेतना से उसको ग्रहण करें। तो बोले प्रभुपाद की कमजोरी प्रचार है, तो प्रभुपाद को हम प्रचार का प्रलोभन देते हैं। तो एक भक्त ने बुद्धि लगाई, प्रभुपाद की कमजोरी प्रचार है, मतलब प्रचार के लिए वो कुछ भी करें, कमजोरी मतलब कुछ भी करने के लिए रेडी। तो एक भक्त ने बोला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद अगर एक कुटिया में रहोगे तो आपके पास कौन सुनने आएगा, इसलिए ऊपर आ जाए। तो प्रभुपाद बोले थोड़ा तो हम यहाँ पे कर क्यों रहे, कर क्या रहे, चलो जल्दी उधर चलते। तो कहने का मतलब है भौतिक जीवन का यह सामान्य लिखा जोग है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा विभिन्न होता है। जब भगवान चाहे तो भक्त सारी चीज अपनाता है, सारे वैभव स्वीकार करता है, भगवान नहीं चाहे तो कोई वैभव ग्रहण नहीं करता। ठीक है, तो ये हमने उदाहरण देखा है हमारे आचार्यों में। तो अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, ओके, और यदि उनके मरने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कृष्ण स्वयं उनका वध करें, उनको मारने की आवश्यकता हो। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों की युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके, वो हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे, और वो अब उसे निमित्त मात्र बनना है। तो इस उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी सबका वध हो। अभी भगवान की योजना एक ही थी, हम दिखाएंगे आज इस श्लोक में। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु सॉरी पीडीएफ है, नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वो क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि उन्हें क्षमा करना चाहता था अर्जुन, उन्हें क्षमा करना चाहता। तो यहाँ से पता प्रतीत होता है कैसे, मतलब अर्जुन सोच रहा था कि किसको मैं दिखाऊंगा, क्यों दिखाऊंगा। तो अगले श्लोक में बोल रहा है, पापम एवं श्रेया दस्मिन हत्वेताना तताइना तस्मन नरहा वयम हंतुम धातराष्ट्र सबांधवन स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधवम माधव सॉरी माधव। तो बोलते हैं यदि हमें ऐसे आत्मताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। यदि हम ऐसे आत्मताई मतलब आक्रमणकारी का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अथवा यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्णा, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो वैदिक आदेश अनुसार आत्मताई छह प्रकार के होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भगवान ने भगवद गीता बोलकर अर्जुन से युद्ध करवा दिया। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को ये प्रश्न करता हूँ कि अगर भगवान युद्ध ना करवाते तो क्या होता, तो ये मेरा प्रश्न होता है। तो वैदिक आदेश अनुसार आत्मताई छह प्रकार के होते हैं। एक विष देने वाला, जो किसी को विष देता है वो आत्मताई है। घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला,
दूसरे की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो शास्त्रों का आदेश क्या है, ऐसे आतताई को तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि उनके उनके वध से कोई पाप नहीं लगता। ये शास्त्र का नियम है। तो हम देख सकते हैं भगवान रामचंद्र ने जब सीता का अपहरण हुआ था, रामचंद्र जो उत्सव आ रहा है, दशहरा आ रहा, तो उस वक्त उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, रावण को तो पूरा शिक्षा दी उन्होंने। ठीक है, अभी आप पांडव के इसमें देखिए, ये 6 में से कौन कौन सी चीज हो चुकी है उसके साथ, पांडव के साथ ये 6 चीज जो बताई उसमें से कौन सी चीज नहीं हुई है वो बताई, शायद एक चीज ना हुई, लेकिन सारी चीज हो चुकी है उनके साथ। उनको विष दिया गया था, भीमसेन को विष दिया गया था। ठीक है, उनके घर में आग नहीं लगाई थी, लेकिन जो जिस घर में आग लगाने वाला था वहां उनको भेज दिया गया था, तो फिजिकली उनके घर में आग लगाई गई थी। ठीक है, फिर घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, उनके ऊपर शायद डायरेक्टली कोई आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन उनका धन भी ले लिया गया गलत तरीके से। ठीक है, फिर दूसरे की भूमि हड़पने वाला, उनकी भूमि भी हड़प लिया गया था, इंद्रप्रस्थ, जहाँ पे आज दिल्ली है, दिल्ली के बगल में, यमुना के दूसरे किनारे। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, द्रौपदी का अपमान किया था, ठीक है, उसको नग्न करने की कोशिश की थी, एक तरह से दुशासन ने जो किया था वो अपहरण से बुरा हाल, अपहरण करके ले गया, लेकिन सबके सामने नग्न करना मतलब बहुत है। तो कौरव 6 में से 5 पांच चीज कर चुके थे, तीसरे का मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, कोई घातक हथियार से आक्रमण किया था इन, तो शास्त्रों के हिसाब से उनको तो तुरंत मार देना चाहिए। अभी माने जिन्होंने ये सब किया था उनके प्रति भगवान कोई एक्शन नहीं लेते, तो आज लोग क्या करते, लोगों को डर नहीं होता, लोगों को डर नहीं होता ऐसे काम करने से, करते रहते। तो थोड़ा आप ही विचार करिए इसके ऊपर आए। तो अर्जुन बोल रहे हैं ऐसे हमें पाप लगेगा, ठीक है, ऐसे लोगों को पाप नहीं कर मारना नहीं चाहिए, और ठीक है हमें क्या सुख प्राप्त होगा। अगले श्लोक में बोल रहे हैं, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो अपवच्येतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं लग्ने अस्माभिः पापादस्मानि वर्तितम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दन। तो बोल रहे हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार की विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, तो ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो। तो अर्जुन ने बोला ऐसे हम क्यों पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त। ठीक है, तो क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जा सकती कि युद्ध ना करे, लेकिन अर्जुन जैसा जो भक्त है तो ये सोचता है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे तीसरा कारण दिया कि पाप पाप करने के बुरे फल का भय लगा उसको कि हमें पाप लगेगा। ये जो 3 श्लोक है वहां 36, 37 और 38 में पाप कर्म का कारण दिया, और भगवान उसका खंडन करते हैं दूसरे अध्याय के 33वें 38वें से लेकर 53वें श्लोक तक उसका खंडन करते हैं। फिर आगे के श्लोक में बता रहे हैं, अभी यहाँ पे कुल परिवार वंशावली का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, तो उसकी बात आ रही है वहां पे। तो बोल रहे कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, धर्म नष्टे कुलम पुरुषम अधर्म भी भवति उत। कुल का नाश होने से, कुल का नाश मतलब जो कुल के अंदर जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, स्पेशली जो कुल की रक्षा करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका नाश होने पर क्या होता है, जैसे बड़े जो कुल की जो रक्षा करने वाले जनरली तो वो नहीं रहते हैं, सारे सैनिक मारे जाएंगे, रक्षा करने वाला कोई कुटुंब में रहेगा नहीं, तो क्या होगा, कुल नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह से कुल भी अधर्म में प्रवर्तित हो जाता है। अधर्म मतलब क्या है, पाप वृत्ति। पाप वृत्ति 4 तरह से होती है, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, मिथ ईटिंग।
ये सब चीजों में लग जाएगा, ठीक है ना। तो अधर्म अधार्मिक प्रवृत्ति में वो लग जाएंगे। दिस आर द फोर पिलर्स ऑफ सिंपल लाइफ के क्या बोलते हैं, पाप कर्मों के चार स्तंभ है, लग जाएंगे। तो कुल का रक्षा करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा तो सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से लोग क्या होगा, अधर्म अधर्म मतलब इलिसिट सेक्स, मिटिटिंग, गैम्बलिंग, अवैध संबंध स्त्री पुरुष का, मांस भक्षण, नशा और जुगार, उसमें वो प्रवृत्त हो जाए। उसके बाद आगे क्या होगा इस सीरीज में, अधर्म अभिभावत दुष्ण प्रदूषंती कुल स्त्रिय श्री दुष्ट सुवास में जायते वर्ण शंकर। हे कृष्ण, पिछले श्लोक में क्या बोला, कुल का धर्म नाश हो जाएगा, अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। तो बोलते जब हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रिया दूषित हो जाती है, अस्तित्व के पतन से है वृष्णिवंश, अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है। तो दोनों की बहुत महत्वपूर्ण है, स्त्री और पुरुष का बहुत महत्व है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि जो बच्चों को संस्कार मिलते हैं प्रारंभिक संस्कार गर्भधान के बाद, वो माता से ही मिलते हैं 5 साल तक, जब तक बच्चा गुरुकुल में नहीं चला जाता था, गुरु जब तो माता से ही प्राप्त होता है, माता से के साथ ही रहते हैं, पिताजी तो चले जाते हैं बाहर, ठीक है। लेकिन तो ये दोनों भागवत में बताया गया है कि अगर हमें अच्छी संतान प्राप्त करनी है, तीसरे स्तन में बताया गया है, तो गर्भधान के दौरान स्त्री पुरुष का दोनों गर्भधान करते हैं उस वक्त उनकी चेतना बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए, भगवान की ओर होनी चाहिए, और उनकी चेतना ये होनी चाहिए कि हम एक गर्भधान भगवान के भक्त को लाने के लिए हम कर रहे हैं, वो चेतना होनी चाहिए, नहीं कि भोग की चेतना। तो इसीलिए जब क्या बोलते हैं, जब वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं रहता कुटुंब में, जवाबदार व्यक्ति नहीं रहता, तो ये सारे चीजें होती है, फिर दूषित हो जाती है, फिर अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और अगले श्लोक में बता रहे हैं तो उससे क्या होगा, संकरो नरका एवं कुल ज्ञानम कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि एषां लुप्तो पिंडो दक क्रिया। तो अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारक के जीवन उत्पन्न होता है। तो अवांछित संतान उत्पत्ति होगी तो क्या होगा, तो ये पिंडदान ये सब चीजें बंद हो जाएगी, या जो भक्ति हो थोड़ा बहुत वैदिक शास्त्रों का पालन हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, अवांछित संतान की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारक के जीवन उत्पन्न होता है। क्यों, ऐसे पतित कुलों के पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो जो कौन थे पितरों को जो भगवान कृष्ण का प्रसाद अर्पण करते थे, वो देने वाले ही रहे। अधर्म अधर्म की दूसरी व्याख्या बोलता हूं यहाँ पे, जो अधर्म की बात आई तो आप अधर्म को 3rd अध्याय के 13वें श्लोक से ले लेना। अर्पित किए बिना खाते हैं तो वो पाप खाने के बराबर, तो पाप का ही हम भक्षण करते हैं, ठीक है। तो अर्जुन को ये वेदों की बहुत सारी चीजें पता थी, तो बोल रहे हैं अगर जो पितृ लोग हैं उनको भगवान विष्णु का प्रसाद ही नहीं मिलेगा, मतलब पाप कर्म में लग जाएगा, तो भगवान को भोग लगाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो जो भी खा रहे, मतलब आप उस एंगल से भी सोच सकते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर शास्त्रों से आप तुलना करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अगले श्लोक में बता रहे, दोषे रे तेरे कुल ज्ञानम वर्ण शंकर तारके उत्साध्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मस्य शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते, उन्हें दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की
सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण सारी विनष्ट हो जाता। ठीक है, तो पारिवारिक योजना और सामुदायिक योजना, मतलब पहले गर्भदान संस्कार, बहुत सारी चीजें होती थी, उपनयन संस्कार, गर्भदान संस्कार, नामकरण संस्कार, ये सारे जितने संस्कार होते थे उसमें जो भी आत्मा आ रही उनका शुद्धिकरण होता था, उसके कर्मों का नाश किया जाता, कम रिएक्शन कम किया जाता था, या अच्छी चेतना को, अच्छी जो आत्मा है उसको बुलाया जाता था गर्भ। लेकिन यही नहीं रहेगा तो क्या होगा, अवांछित संतानों को जन्म देते हैं और उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की पारिवारिक सामुदायिक योजनाएं, पारिवारिक कल्याण कार्य नष्ट हो जाते हैं। तो पारिवारिक वंशावली का नाश, तो अभी हमने 42वें श्लोक तक देखा, 43वें श्लोक में बता रहे, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत इति अनुश्रमात। बोले हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, ये अर्जुन भी बोल रहे हैं, गुरु परंपरा से सुना है कि, परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो पारी पर तो अर्जुन को डर था। आगे बोल रहे हैं 44वें श्लोक में बता रहे हैं, ठीक है, तो बता रहे हैं, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यसिता वयम यद राज्य सुखे लोभेन हन्तुम सचरम उद्यता। तो बोल रहे हैं, ओहो कितना आश्चर्य की बात है कि हम सब जधन्य पाप करने के लिए उद्दत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो यहाँ पे वापस वो पाप कर्म की बात करते हैं, 44वें श्लोक में भी वो पाप की बात कर रहे हैं। ठीक है, थीके? तो पाप करने बैठे हुए हैं क्यों, भोग की इच्छा से। अगले श्लोक में बता रहे हैं वो, यदि मम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धातराष्ट्रस्य रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो अभी हमें लगता है बस अर्जुन ने 4-5 श्लोक सब बोल दिया, तो ये भाई युद्ध के मैदान पे खड़ा था, पूरी फिलोसॉफी पूरा था, खत्म, क्लास नहीं डिस्कस कर रहा। शॉर्ट में अर्जुन को कृष्ण भगवान को बता दिए, कुछ पॉइंट्स बता दिए, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें वो निकाल सकते थे। ठीक है, तो लेकिन जो मेन मेन पॉइंट थे सारे निकाल दिए उन्होंने, तो बताया हम पाप करने के लिए लगे हुए हैं। फिर अर्जुन बोलता है क्या, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयकर होगा। बोला उनके हाथों से मर जाना मेरे लिए श्रेयकर होगा। अर्जुन ये बता रहा है, कंक्लूजन दे रहा है अपना। फिर बोल रहे संजय, एवं उत्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्तुपाविशत विश्वज्य ससरम चापम शोक संविग्न मानव स। तो संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो ये पहले अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो पहले अध्याय में अर्जुन 4 कारण देता है युद्ध ना करने का। पहला, मित्रों और संबंधियों के प्रति दया, तो विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते वो एंजॉयमेंट, पाप कर्म का भय और पारिवारिक वंशावली का नाश। अभी जो असमंजस है वो दूसरे अध्याय में आता है, अर्जुन स्वयं बोलेगा दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तो हम वो देख ही लेते हैं 4-5 मिनट लेके। और ठीक है, आज मैंने 1 15 को शुरू किया था, 5 मिनट में और ले सकता हूँ, ऐसे भी मैंने बोला 30 मिनट, मतलब 30 से 40 मिनट। तो दूसरा अध्याय शुरू होता है संजय के बोलने से शुरू होता है। अभी कृष्ण भगवान और ये नहीं बोल रहे थे चलो अध्याय 1 पूरा हुआ दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है, बट ये कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है समझने के लिए, इस प्रकार से हमें दिया गया है परंपरा में। ठीक है, तो पूरा श्लोक का सीक्वेंस ही आ रहा। तो संजय उवाचा, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विशेष।
बोल रहा, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकाहित अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। पिछले श्लोक में क्या बताया था, पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में संजय ने क्या कहा था, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। और यहाँ पर क्या बोल रहे, अभी अर्जुन को ऐसे बैठा हुआ शोकाग्रस्त देखकर, व्याप्त देखकर, अश्रुपूरित नेत्रों वाले देखकर अर्जुन को अभी भगवान बैठे छोड़ेंगे कि थोड़ी, अभी मेरा कोई मित्र है वो रो रहा है, मैं पूछूंगा तो कहीं कुछ तो बोलो, अरे क्या है क्या बात है, पूछूंगा तो सही ना, या तो फिर उसको सांत्वना दूंगा मैं तो, और उससे मुझे कुछ चीजें अपेक्षित ना हो तो मैं उसको ताने भी मारूंगा प्यार से। तो यहाँ पे भगवान वही कर रहे हैं। तो पूछा है ना, संजय बोल रहा है कि कृष्ण भगवान क्या बोला भगवान ने, फिर भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने ये कहा, संजय बता रहा है, उत्तस्त्वा कस्मलम इदम विसमय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर अर्जुन। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अरे तुम्हारे मन में कलमस आया कहाँ से, कैसे आया, यह उस मनुष्य के लिए तनिक ही अनुकूल नहीं है जो जीवन को मूल्य को जानते हैं। भगवान बोल रहे, अरे आप इतने बड़े बड़े शास्त्र बात की बात कर रहे हैं, आपको जीवन का मूल्य पता है, उसके मन में एक कलमस आना ही नहीं चाहिए, उसके लिए उचित है ही नहीं, अनुकूल है ही नहीं। तो आगे बोल रहे हैं, तो बोले इससे उच्च लोगों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी, होती है। भगवान बोले, इससे उच्च लोग के अनादे जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति करो अर्जुन, बोला ये आपको तो आना ही नहीं चाहिए, जो अस्वर्ग और अकीर्ति प्राप्त कराएगा। ऐसी किसको बोलते हैं, वदन्ति तत्त्वविद् ब्रह्मेति परमात्मेति वाला, मेरे तो ये हम चर्चा नहीं कर रहे। ये कहने के बाद तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं, वापस भगवान ही बोल रहे अर्जुन को, प्राप्त मत हो जाओ, अभी आपको क्षत्रिय को नपुसक बोल के दिखा, छोड़ेगा नहीं, इधर ही उधर खत्म कर सकता है अगर वो सही क्षत्रिय है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे, नपुसकता कैसे आई, तो नपुसकता को प्राप्त मत हो, समागम पार्थ, ये नपुसकता में मत आओ, नेतृत्व उपपद्यते, ये आपको शोभा नहीं देती, सुद्रम हृदय दुर्बल्य, शत्रु के दमन करता, त्यक्त्वा तिष्ठ परंतप, परंतप मतलब दमन करता, शत्रु को दमन करने वाला, ये हृदय की सुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अभी सीधा बोल रहे, अरे ऐसा कहाँ से वीकनेस आ गया, तो ठीक है, तो भगवान ने ये बोला, फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं। अभी देखिए भगवान ने तो बोल दिया, तो अर्जुन को तो लगा होगा कि भाई हाँ कृष्ण तो बोल देंगे, बट कृष्ण ने उल्टा ही बोला यहाँ पर कि अरे मैं, अर्जुन को लगा कि मैं बहुत शास्त्र कोट करूंगा, मैंने ये सुना है वो सुना है, तो भगवान बोलेंगे हाँ बात तो सही है, अर्जुन मैं सोच सकता था कि भगवान मुझे भी बोलेंगे हाँ युद्ध नहीं करते, चलो चलते हैं वापस, भीख मांग के रहेंगे। लेकिन अर्जुन की उम्मीद से वो विपरीत हुआ, भगवान ने बोला अरे ये नपुंसक आई कहाँ से, ये क्षत्रियों के लिए शोभा का विषय नहीं, ठीक है। तो वो सोचकर अर्जुन यहाँ पे आके बोल रहे हैं, आप देखेंगे दूसरा अध्याय शुरू होता है उस प्रकार से, ठीक है। और ये हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता क्या है, तो ये हमारा पहला संदेश है आज का, ठीक है। तो हम कुछ चीजें स्किप करेंगे, डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्षत्रिय का क्या है, बट आपको पता है क्षत्रिय मतलब तो देश की रक्षा करने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले लोग, उसको बोलते हैं क्षत्रिय, ठीक है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अभी आज के लास्ट श्लोक पर पहुंच जाते हैं जल्दी से।
भगवान ने उनको बोला युद्ध करने के लिए, वापस बोला तो अर्जुन बोल रहे हैं, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इक्षुभिः प्रतियोत्सामि पूजयन्हा वरिसूदनः। तो बोल रहे अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उल्टा उल्टा उलट कर बाण चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा? यहाँ पे मधुसूदन मतलब राक्षसों को मारने वाले, बोला आप तो राक्षसों को मारते, आपने कभी अपने भाइयों के ऊपर युद्ध किया क्या? लेकिन हाँ, मुझे तो यहाँ पे तो अपने परिवारों से युद्ध करना, लेकिन अर्जुन भूल रहे थे कंस को ही मारा। बोल रहे हैं भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलट कर बाण चलाऊंगा। महानुभावन श्रेयो भोक्तुं भिक्षम अपिह लोके हत्वा अर्थ कामं सुगुरु निहेयः पुंज्य भोगं प्रतिदानं। तो बोल प्रतिदान, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। तो गुरु को मारकर कैसे जी सकते हो, उसे भीख मांग के रहो। भले ही वे सांसारिक लाभ की इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अर्जुन यहाँ पे वापस फिलोसफी बोल रहे, मैं उनको कैसे मारू, आपने कभी मारा है क्या अपने गुरुओं को? तो कहीं वो तात्पर्य में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, नाना अपने ये रहा, देखिए क्या कृष्ण अभी अपने पितामह नाना अग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते हैं? तो जो मैंने बोला था तात्पर्य के अनुसार ही है। फिर अर्जुन आगे बोलते हैं, न चेत विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदिवा नो जयेहु याने हत्वा न जिति विषमस्ते विषमस्ते अवस्थिता प्रमुखते धातराष्ट्रा। तो बोल रहे हैं हम यहाँ भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ। अभी अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है, असमंजस हो रहा है, असमंजस, हम यह भी नहीं जानते हैं कि बोलते हैं, हम बोलते हैं, हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। जैसे बिहार बिहार के लोग होते हैं, हम मतलब अपने आप को बोलते हैं यहाँ पे, तो यह हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। उनके जितना उनको जितना या उनके द्वारा जीते जाना, जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अभी अर्जुन बोल रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो वो कंफ्यूजन पराकाष्ठा पर पहुंचता है अगले श्लोक में, ठीक है। तो बता रहे कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूलचेतः यश्रेयसं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम स्वादिमं त्वं प्रपन्नम्। तो बोल रहे अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए सही कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। यहाँ पे कृपण मतलब अर्जुन के पास इतना ज्ञान है फिर भी कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा क्या करना है, बता रहा और कृपण बताकर क्या बोल रहा है कि ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताए। भगवान को बोल रहे मुझे मेरे लिए जो श्रेयकर हो मुझे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं। अभी देखो अर्जुन ने शरणागत हुए भगवान के प्रति, ठीक है। तो ये हमारे जीवन में शरणागत होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें हमारे गुरुजनों के प्रति शरणागत होना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक्चुअली हम देखेंगे तो एक हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नीड ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु, एक पूरा टॉपिक है। अगर डॉक्टर के पास जाना है तब भी हमें किसी का मार्गदर्शन चाहिए, कोई कॉलेज में जाना है तब भी किसी का काउंसलिंग चाहिए, ठीक है।
फ्लैट खरीदना है तो हम काउंसिलिंग लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो भाई आध्यात्मिक जीवन में हमें क्यों गुरु नहीं चाहिए, ये प्रश्न बनता है। ये उसका पूरा हमारा टॉपिक ही है, वो अभी हम नहीं लाते। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान के प्रति शरणागत हो रहा है, स्वयं बोल रहा है मैं आपका शिष्य हूँ, मैं शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो हमें उपदेश भी तभी देना चाहिए कोई ऐसे शरणागत हो हुए और कोई पूछे, तब तक नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि तब तक उसके पर उसमें कोई असर नहीं हो। और बोले मेरे लिए जो श्रेय कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, नहीं प्रपश्यामि मम अनुद्यात यच्छोकम उष्ण इंद्रियाणाम अवाप्य भूम सुतम हृदम राज्यम सूरणाम पीछाधिपत्यम। तो बोल रहे हैं मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला वाले इस जो शोक हो रहा है और ये शोक की वजह से मैं कंफ्यूजन में हूँ वो उसको क्या बोलते हैं उसको सुलझाने वाला सुखाने वाला कोई साधन नहीं दिख रहा। बोल रहे स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। ये जो दुविधा में है शोक में है वो अर्जुन बोल रहा है पूरा मैं स्वर्ग का आधिपत्य भी मैं प्राप्त करूं फिर भी ये मेरा जो समस्या है वो हल नहीं हो पाएगी, भगवान को बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद शरणागत होकर देखने के बाद तात्पर्य काफी अच्छा है, पढ़िएगा। फिर संजय बोलता है, हम ये दो श्लोक का अनुवाद पढ़ के खत्म करेंगे। संजय बोल रहा है एवं कृत्वा ऋषिकेश गुणा केश परंतप नयुत्सहित गोविंद। कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। तो फिर क्या हुआ, तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्न व भारत सेना रुभ्यर मध्य विषेदंत मिदम वश। हे भरत वंशी धृतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तभी जो भगवद गीता का जो ज्ञान है ये जो अर्जुन ने क्या बोलते हैं पिछले अध्याय में हमने देखा जो असमंजस दूसरे अध्याय के पांचवे और सातवें और आठवें श्लोक में जो आता है वो प्रतीत कर रहा है छठे सातवें और आठवें श्लोक में वो असमंजस स्थिति में है। और भगवान अभी जो उसके जो इनडिसिजिबल रहता है जो पांचों कारण दिए उसका खंडन वो अगले कन्वर्जेशन चलता है। तो बस यही थे कि अर्जुन जो पांच कारण देते हैं युद्ध नहीं करने के, तो हम यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। तो पांच कारण कौन से थे कोई बता सकता है, पांच कारण कौन से थे? पहला कारण था उपा रखना, दूसरा कारण था पाप कर्म लगेंगे हमें, तीसरा कारण सॉरी दूसरा था हम राज्य भोग राज्य मिलने के बाद भी अगर उनकी हत्या करेंगे तो खुश कैसे रह पाएंगे, तीसरा था हमें पाप लगेगा, चौथा था फैमिली ट्रेडिशन कुल धर्म नाश हो जाएगा, और पांचवा था मैं असमंजस हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये पांच कारण है, अगर ये थोड़ा ध्यान से मेडिटेट करेगा कल थोड़ा जो हमने आज चर्चा की है पढ़िए, ठीक है। तो कल हम आगे प्रस्थान करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा।